जहां लेबर क्रांति मोर्चा और जन संघर्ष समिति ने भिवानी में 8 मार्च को उपायुक्त महोदय के नाम DRO को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्राइवेट स्कूलों की फीस की वृद्धि को लेकर विरोध किया गया है। अगर प्राइवेट स्कूलों में मनमानियां जारी रखी तो प्राइवेट स्कूलों के मनमर्जियों के खिलाफ आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इनके खिलाफ शहर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आइए देखते हैं सोनू पवार की ये रिपोर्ट। एक लेटर लिखें जिसमें वो फीस वापस की जाए और आगे से फीस ना ली जाए। यदि वो इस तरह की कार्रवाई से नहीं रुकते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आज यहाँ सभी संगठनों के माध्यम से जन संघर्ष समिति, लेबर क्रांति मोर्चा, हरियाणा वाल्मीकि महासभा, बहुजन समाज संगठन और पूर्व कर्मचारी नेताओं के द्वारा सैन समाज, सभी संगठनों ने मिलकर के आज ज्ञापन दिया है फीस वृद्धि को लेकर के। जो प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि का काम चल रहा है वो मेरी समझ से गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। उससे गरीब आदमी नहीं, इसमें आम आदमी को नुकसान है। जबकि फीस वृद्धि समाज के लिए एक नुकसानदायक है, जहां वहीं कोरोना काल में फीस लेना, सरकारी स्कूलों की मनमानी करना, ये सब इस महंगाई में आग में घी का काम कर रही है। और हम इसका विरोध करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए यहां आए हुए हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती है, फीस वापसी नहीं होती है, तो ये सभी संगठन मिलकर के आंदोलन करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी संगठन आए हैं इनसे काफ़ी संख्या में संगठन मिलकर इसका विरोध करेंगे। दूसरा, DRO साहब के माध्यम से जो आज ज्ञापन दिया है, DC साहब से और DO साहब से हमारा एक यही अनुरोध है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह की जो फीस वृद्धि कर रहे हैं उसकी चोट आम जनता के साथ साथ गरीब तबके के लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसका शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। अगर नहीं होगा तो हम सब लोग आंदोलन पर आ जाएंगे।